परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं, तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहां गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था, यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए, हमने जल संरक्षण, जल सिंचन हर पहलू पर ध्यान दिया, हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता, और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी, लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए, इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं, वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में
8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं एक मरीज को हरा दिया, अरे भाई उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है, देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, केले चपाटों को, जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था, यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए,